बहुत एक्साइटेड हूँ मैं तो। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो ये वायर जो दिख रही है ना आपको, यहाँ पे ना वाइट वॉश चल रहा है मेरी साइड में, इसीलिए ये वायर है। और आज सुबह सुबह ना संदीप को ऑफिस भेज दिया है और मैं लग चुकी हूँ किचन में, क्योंकि आज है सैटरडे और कल आ रही है टुक्कू। तो मैं इतनी खुश हूँ और मुझे लगा क्यों ना उसके लिए कुछ चीज़ें बनाई जाए। जब बच्चे हॉस्टल में रहते हैं ना तो अपना ख्याल इतना नहीं रख पाते, कभी खाना अच्छा मिलता है, मोस्टली टाइम ऐसा ही मिलता है। तो यहाँ पे मैं उसके लिए बना रही हूँ ड्राई फ्रूट्स लड्डू, जहाँ पे मैंने काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट ले लिए हैं, काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट, पिस्ता, सारी चीज़ें ले ली है। और यहाँ पे मैं नारियल का बुरादा भी डालूंगी, उसके साथ साथ ये मखाने। और स्वीट के लिए मैं डाल रही हूँ यहाँ पे डेट्स और ये फिग, क्योंकि मैं चीनी का इस्तेमाल बहुत कम से कम करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं ना कढ़ाई में डाल दिया है घी। उसके बाद ना मैं बारी बारी से सबको सेकूंगी। चाहते तो हम सबको एक साथ भी सेक सकते थे, बट सबका ना जो कुकिंग ड्यूरेशन होता है वो अलग अलग होता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा घी डाल के ना मैं यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट सेक रही हूँ। सबसे पहले आ गए हैं बादाम, और ना निकालने के बाद भी, जैसे हम कढ़ाई से निकाल लेते हैं ना, तो उसके बाद भी उनकी हीट से भी पकते रहते हैं, इसीलिए मैं सिर्फ एक एक मिनट तक ही इनको पकाया है और उसके बाद निकालती जा रही हूँ। तो धीरे धीरे काजू मेरे हो गए हैं, उसके बाद बादाम और ये अखरोट भी थोड़ा थोड़ा करेंगे। अब यहाँ पे मखाने की बारी है। तो यहाँ पे एक चम्मच करीबन मैंने घी डाला है, इसमें थोड़ा ज़्यादा घी मैं डाल रही हूँ, और इनको अच्छे से सेक लूँगी। मखाने जब सेक जाते हैं ना तो एकदम से क्रंची होने लग जाते हैं वो, तो इसका मतलब वो सेक गए हैं। धीरे धीरे सबको निकाल लिया है। पिस्ता को भी मैंने ना आधे से एक मिनट के लिए ही किया है, क्योंकि उसका कलर बहुत ही सुंदर लगता है इस तरह का। अब मैं डाल रही हूँ इसमें पम्पकिन सीड, ज़्यादा नहीं डाले, एक ही चम्मच डाले हैं, क्योंकि बच्चों को पसंद होते हैं, कईयों को नहीं होते हैं। इसके बाद ना मैंने नारियल का जो बुरादा है, डेसिकेटेड कोकोनट, उसको भी, सिर्फ इसको भी एक ही मिनट के लिए मैंने सेका, और थोड़े से केसर के धागे डाल दिए हैं। एक ही बाउल मैंने यहाँ पे लिया है किशमिश, जैसे ही किशमिश होने लग जाए ना उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे चिरौंजी दाना डाल दिया है। अब यहाँ पे डेढ़ बड़े चम्मच मैं डाल रही हूँ अलसी, बहुत ही अच्छी रहती है सेहत के लिए। अलसी पकती कैसे है, जैसे चिटचिट की आवाज़ आएगी ना, समझ लीजिए आपकी अलसी अच्छे से सीख गई है। अब बारी बारी से मैं, जिस तरह से मैंने बारी बारी से इनको अलग अलग ही रोस्ट किया था, वैसे ही अलग अलग ही मैं ग्राइंड करूँगी, क्योंकि सबका साइज़ अलग होता है और सबका ना ड्यूरेशन अलग होता है। बस मिक्सी को जस्ट चलाएंगे बंद कर देंगे, चलाएंगे बंद कर देंगे, क्योंकि थोड़ा सा क्रंच रहेगा ना तो स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। अब यहाँ पे मैं ना मखाने भी अच्छे से ही मैंने रोस्ट किए थे, तो अब ये बहुत अच्छे से पिस जाएंगे। इनका थोड़ा सा दरदरा सा पाउडर बना के इन सब चीज़ों को अब डाल दिया है मैंने मिक्स होने के लिए। और अलसी को मैंने पीस लिया, जिसको नहीं पीसा है वो है चिरौंजी दाना और थोड़े से किशमिश, जिनको मैंने ऐसे ही डाल रहा है। स्वीट के लिए जैसे कि मैंने बताया था डेट्स डाली है, उसके साथ साथ फिग डाली है। डेट्स में बहुत ज़्यादा आयरन होता है, मैं तो बेसिकली वैसे ही बहुत खाती हूँ, तो मैंने सोचा लड्डू में भी डाल देते हैं, बेटर है चीनी से, अच्छा हम नेचुरल स्वीटनेस लें। और यहाँ पे दो चुटकी भर ही मैंने यहाँ पे डाल दिया है वो है इलायची का पाउडर, जिससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। इन सब को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और जब ये हल्का गर्म होना तभी आप मिक्स कर लीजिए। तो अच्छे से ये सारा जो भी हमारा मसाला रेडी हो चुका है उसको मिक्स कर लेंगे। इसके साथ साथ मैंने एक कटोरी बड़ी वाली जो किशमिश आती है ना, उसको मैंने थोड़ा सा रोस्ट करके उसको भी पीस लिया है, ये भी स्वीटनेस का काम करेगी। अब यहाँ पे चार बड़े चम्मच मैंने घी डाला है, जिससे स्वाद अच्छा आएगा। और घी तो जैसे मैं हमेशा बताती रहती हूँ हमारी बॉडी के लिए वैसे ही बहुत अच्छा है। बस इन सबको ना अच्छे से ना मिक्स करके इनके लड्डू तैयार हो गए हैं, और इतना अच्छा लग रहा है कि कम से कम आएगी तो कुछ खाएगी तो सही। अब इसके बाद ना मैं बना रही हूँ खजूरे बिस्किट, जो भी कुछ कह लो, हमारे पहाड़ी में तो इसे खजूरे कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं बताना, बट मैं इसको बनाऊँगी बिस्किट के जैसे, कोई मॉडर्न ट्विस्ट दे रही हूँ। तो एक कटोरी मैंने यहाँ पे ले लिया है गुड़, उसमें ना गरम पानी एकदम डाल के मैंने मिक्स करके रख दिया है। अब मैंने यहाँ दो बड़े कटोरी ले लिए हैं आटा, उसके साथ साथ आधी कटोरी मैंने यहाँ पे लिया है ओट्स, ओट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। आधी कटोरी यहाँ पे मैंने सूजी ले ली है,
और यहाँ पे ना 2 पिंच करीबन मैंने डाला है वो है इलायची का पाउडर खुशबू के लिए, और यहाँ पे 4 बड़े चम्मच मैं डाल रही हूँ घी। देसी घी का इस्तेमाल करिए, अच्छा स्वाद आता है किसी भी मीठी चीज़ में। और आधी कटोरी मैंने डेसिकेटेड कोकोनट इसमें डाल दिया और अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। अब यहाँ पे ना सिर्फ चुटकी भर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ सोडा, बेकिंग सोडा, जिससे कि ना क्रिस्पी बनेंगे थोड़े से हमारे ये बिस्किट। और यहाँ पे 4 बूंद करीबन मैंने डाला है वनीला एसेंस, जिससे ना स्मेल बहुत अच्छी आएगी। अब धीरे धीरे करके ना मैं इसको आटा लगाऊंगी, लेकिन ये टाइट सा मैं डो बनाऊंगी। जितनी ज़रूरत होगी ना मैं उतना ही ये गुड़ का पानी इसमें डालूंगी, क्योंकि इसका सख्त सा डो हमें लगाना है। हमारा डो लग के तैयार हो चुका है, इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने रखेंगे। अब बना लेंगे हमारे बिस्किट्स। भाई मैं तो इसे बिस्किट ही कहती हूँ, क्योंकि इसका शेप भी वैसी है और इसका स्वाद भी वैसे ही आता है। और सबसे बड़ी बात ये हम कढ़ाई में बना रहे हैं, कई के घर में ऐसा होता है ना कि माइक्रोवेव है या नहीं। अब इसको मैं तलूँगी घी में, आप ऑयल में भी तल सकते हैं। घी में ना स्वाद, किसी भी मीठी चीज़ को अगर घी में तलेंगे उसका स्वाद तो अमेजिंग आता ही है। तो इसको ना जैसे ही मैंने गैस जलाई, घी डाला और उसके बाद जैसे ही हल्का सा गर्म हुआ तभी मैंने डाल दिया। अदरवाइज ज़्यादा जब ये गर्म हो जाएगा और इसको डालेंगे तो ये ऊपर से तो पक जाएंगे और अंदर से नहीं पकेंगे, क्योंकि थोड़े मोटे हैं। इसलिए सिम आंच पे दोनों साइड आराम आराम से पकाना है। और ये देखिए झट से ये तैयार हो जाते हैं बिस्किट। वैसे भी ना वो आने वाली, तो मुझे लगा 1-2 चीज़ बना लेते हैं। आप ट्राई करके देखिएगा, आपके बच्चों को भी ये बहुत पसंद आएंगे। पहाड़ी खजूरें जिसको कहते हैं बिस्किट भी। और आज है संडे, जैसी उठी सूरज इतना प्यारा निकल रहा था ना, और आज तो इतने दिनों से मैं इंतज़ार कर रही हूँ टुक्कू के आने का, फाइनली वो दिन आ गया है। यहाँ जैसी उठी ना यहाँ पे ना एरोबिक्स क्लासेस चलती, मतलब सैटरडे संडे को ये लोग करते हैं। कई बार उनकी आवाज़ से भी उठ जाती हूँ, बट आज तो मैं ना एक्स्ट्रा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि बेटी जो आने वाली है। तो नीचे जा रही हूँ मैं थोड़ी सब्जी लेने, थोड़ी क्या वैसे मुझे कुछ ज़्यादा ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि ना आज बनने वाली है बिरयानी। स्पेशली संदीप जब भी टुक्कू आती है तो एक बार ज़रूर बिरयानी बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये ना संदीप ही बनाते हैं, मैं इनकी काफ़ी हेल्प करती हूँ। बट ना ये रेसिपी जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सारी वेजिटेबल मैं ले आई थी, कटिंग मैंने की, काफ़ी सारी चीज़ें मैं कर रही थी, बस जो तड़का होता है ना वो सिर्फ संदीप लगाते हैं। तो आधी आधी कह सकते हो आप, हम दोनों ने कोशिश की। और संदीप ना बच्चों का ना स्पेशल ख्याल रखते हैं, वैसे तो हर पेरेंट्स रखते हैं, बट मैं देखती थी ना जब से बचपन से ना इनके बर्थडे होते थे तो स्पेशली छुट्टी लेंगे उस दिन, ऑफिस नहीं जाते थे, बहुत ही अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, पूरा डेकोरेशन करते थे। तो बच्चों को ना हमेशा याद रहता है। मैं अपने शूज पहनते हुए कितने एक्साइटेड हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं तो। अच्छा लग रहा, मजा आ रहा है ना फिर से, क्योंकि अकेली नहीं रहेगी ना। यस। क्या मैसेज? बड़ा अच्छा लग रहा है। किस लिए वेट कर रही हो ज्यादा? दीदी और बिरयानी दोनों के लिए। और क्या आने वाला इंडिया से? और सुबह से हम लोग काफी बिजी थे, बिरयानी बनाई, बिरयानी बनाने में बहुत टाइम लगता है, सोचा उसके लिए कुछ सरप्राइज करें। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, हमने फ्राइड राइस मंचूरियन बनाए थे, इस बार हमने बिरयानी बनाई है। हम रेडी हो चुके हैं, अभी बज चुकी है 12:25 हो चुकी है, रेडी हो चुके हैं। बिरयानी बनाने में सच में बहुत टाइम लग गया। अब जाते हैं टुकू को लेने, एंड आई एम सो हैप्पी कि फाइनली वो आ रही है, और उसके आने का दिन ना कुछ अलग ही होता है। तो फ्रेंड्स हम लोग निकल चुके हैं, गर्मी तो काफ़ी है, सुबह थोड़ा मौसम ठीक था और अभी थोड़ी गर्मी लग रही है। और मान्या तो आज बहुत ही ज़्यादा सुपर एक्साइटेड है, सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया जैसे कि मैंने बता दिया था, क्योंकि आज मान्या का ना इंडिया से आने वाला है बर्गर आने वाला है, क्योंकि बेचारी 1.5 साल से ना मतलब मैडी के बर्गर को बहुत ही मिस कर रही थी। और वैसे ही ना इसकी दीदी आती है तो भूख वैसे ही कम हो जाती है। तो हम जा रहे हैं, हमें कम से कम लगने वाला है कितना जल्दी, हाँ तो हमें यहाँ से लगेगा आधा घंटा। एंड हम लोग एंट्री कर ली है और मनस्वी की फ्लाइट जो है वो लैंड हो गई है, अब बस वो आने वाली है। वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड, बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे आते हैं ना,
तो तब फैमिली कंप्लीट होती है। अदरवाइज कभी भी कुछ अच्छा बनाओ या कहीं जाओ या शॉपिंग भी करो ना, तो हमेशा उसकी याद आती ही है। आज अच्छा लग रहा है। तो देखो कितनी जल्दी भाग रही संदीप और मान्या। एंड अभी हम तीनों ने वहाँ पे वेट कर रहे हैं क्योंकि इस बार टुकू की जो टिकट हुई है वो सिंगापुर एयरलाइन से हुई है, तो इसलिए यहाँ पे वेट कर रहे हैं। वो यहाँ पे नीचे से आएगी, फिर लिफ्ट में चढ़ेगी, फिर आई थिंक थर्ड फ्लोर पे वी आर वेटिंग फॉर हर। और यहाँ से सब आना शुरू हो चुके हैं। ये आ चुकी है ननो। अब यहाँ से लिफ्ट में आएगी। फाइनली टुकू आ चुकी है एंड वी आर सो हैप्पी। और मौसम ऐसा लग रहा है कि बारिश आने वाली है, बहुत अच्छा मौसम हो गया। मतलब गर्मी तो लग रही है थोड़ी बहुत, लेकिन सूरज देवता चले गए हैं तो लग रहा है कि अब बारिश हो जाएगी एंड मन बहुत खुश है। और आज बारिश भी हो जाए और उसके लिए आज बनी है बिरयानी जिसको बहुत पसंद है। गाइस हम घर पहुँच चुके हैं और माँ ने जिस चीज़ के लिए बड़ा बेसब्री से इंतज़ार करी थी वो है ये बर्गर जो कि आया है इंडिया से। खुशबू भी अच्छी आ रही है क्या इसकी। परसों बाद महाराजा बर्गर के दर्शन। मैंने प्लेट पे निकाला है, गरम करो। गरम करना ना पहले तो। हाँ ये देखिए दो दो महाराजा बर्गर आए, परसों बाद डेढ़ साल हो गया। डेढ़ साल हो गया। मान्या को अपना बर्गर मिल गया था और वो बहुत खुश थी, बट हम तो इंतजार कर रहे थे ढक्कन खुलने की, यानी बिरयानी। वो भी संदीप के हाथ की, बहुत ही अच्छी बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसके आने पे एक बार ज़रूर बनती है, आज तो डे वन पे ही बन गई है। फिर हम सब ने आराम से बैठ के खाया और जब बच्चे घर पे आते हैं ना तब एकदम लगता है कि फैमिली कंप्लीट होगी। और ऐसा लग रहा था आज जैसे कि आज त्यौहार है। बहुत सारे चीज़ें लेके आई है मेरी बेटी, आने वाली वीडियो में पक्के से बताऊँगी वो क्या लेके आई है और मैंने क्या मंगाया है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। एक छोटी सी डायरी का एक खूबसूरत पेज आप लोगों के साथ शेयर किया है। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच इतना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए, मेरे वीडियो देखने के लिए। लव यू ऑल।